वेलकम गाइज आज के दो के दम में और आज के सेशन में हम दो मिनट में डिस्कस करेंगे आपके यूपीएससी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है दैट इज योर एल पी जी वर्सेज नेचुरल गैस का और साथ ही हम जानेंगे सी एन जी और सी बी जी में कंप्रेस्ड बायो गैस में और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या डिफरेंस है मेन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको डिफरेंस याद रखना है दैट इज एल पी जी एंड नेचुरल गैस का ऑलरेडी यूपीएससी ने प्री में पूछ रखा हुआ है फिर से पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं इसलिए क्योंकि यूरोप में जो है नेचुरल गैस की काफ़ी ज्यादा शॉर्टेज

आपने पढ़ा होगा मिथ इथ प्रोप ब्यूट इस तरीके से चलता है राइट तो प्रोपेन में आपके कार्बन के तीन एटम होते हैं ब्यूटेन में फोर एटम होते हैं इट मीन इट मीन्स इनकी एलपीजी की जो आपकी चेन होगी मॉलिक्यूलर चेन अगर वो ऐसे भी आपसे स्टेटमेंट दे दे कि एलपीजी की मॉलिक्यूलर चेन इज लार्जर देन नेचुरल गैस तो ये बात भी आपकी सही होगी समझ के बात को इसी वजह से आप पाएंगे कि एलपी जो है, है होती है एयर से हैवी ये होती है इसलिए ये नीचे बैठ जाती है लेकिन नेचुरल गैस जो है ये लाइट होती है मीथेन लाइट होती है इसीलिए आप देखेंगे कि मीथेन जो है आपके एटमोस्फियर में बहुत ऊपर उठ जाती है और आपके जो ट्रोपोस्फियर है उसके अपर पार्ट में ये सेटल हो जाती है उधर समझ गए एंड देन एल पी जी हैज हायर एनर्जी कंटेंट ये बात आपने याद रखना है नेचुरल गैस से हमेशा एलपीजी का हाइयर एनर्जी कंटेंट होगा नेचुरल गैस माने मीथेन तो मीथेन से आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का हाइयर एनर्जी कंटेंट इसलिए होगा क्योंकि इसमें कार्बन ज्यादा मॉलिक्यूल है अगर वो दूसरे वर्ड में आपसे ये भी पूछे कि एल पी जी का बायोगैस से ज्यादा एनर्जी कंटेंट होता है तो वो स्टेटमेंट भी सही होगी जैसे मैंने आपको पिछली पिछले लेक्चर में भी बोला कि जो आपका बायोडीजल होता है उसका एनर्जी कंटेंट आपके कन्वेंशनल पेट्रोलियम डीजल से कम होता है ये बात आपने याद रखनी है समझ गए एंड देन एक इंपॉर्टेंट बात कि एलपीजी रिक्वायर्स हायर एयर टू गैस रेशो फॉर कंबशन वो इसीलिए इसीलिए क्योंकि इसमें कार्बन मॉलिक्यूल ज्यादा है अगर आपको कार्बन को पूरा बर्न करना है तो इनको ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए समझ गए आपके जो मीथेन है या फिर आपकी जो इथेन है राइट उस मीथेन मि, uh, में आपके मेनली मेनली जो कार्बन आइटम है वो कम है तो कम एयर में भी वो जल सकती है एंड देन एल पी जी इज लिक्विफाइड थ्रू प्रेशराइजेशन एल पी जी को जो वो लिक्विड पेट्रोलियम में कन्वर्ट किया जा रहा है वो प्रेशर के थ्रू कन्वर्ट किया जा रहा है लेकिन एल एन जी को नेचुरल गैस को भी आप जो है लिक्विड बना सकते हो उसके लिए आपको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा उसे ठंडा करके आप जो है लिक्विड बना सकते हो लेकिन एलपीजी को प्रेशर के थ्रू लिक्विड बनाया जा सकता है समझ गए एंड देन

कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर टू योर एल ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपने याद रखनी है और एक आती है आपकी डिबेट सी और सी के बीच कंप्रेस्ड बायोगैस और सी के बीच राइट सी के बीच इनके बीच डिफरेंस बिल्कुल यही है कि जो आपकी सी है ये आपकी नेचुरल गैस है राइट ये आपके कुओं वुओं से निकाल के जो नेचुरली बनी हुई है उसको आप निकाल के है ये मिथेन ही राइट जो नेचुरल मिथेन है सीबी जी बायोग प्लांट वगैरा लगते हैं उसे हम कहते हैं सीबीजी कचरे वचरे से ये बन सकती है राइट right? तो ये इसका मेन डिफरेंस है कंटेंट इनका नॉर्मली सेम ही रहता है मिथेन इसमें रहता है समझ गए दोनों में तो इनकी एनर्जी डेंसिटी भी इक्वल रहती है ये बातें आपने याद रखनी है सो आई होप ये जो लेस हैं ये छोटे छोटे माइक्रो क्लिप्स ये आपके लिए आपके प्रिपरेशन में कुछ एड एडउ साबित हो रहे होंगे कमेंट में जरूर बताइए राइट और मुझे आप बताइए कि कि इंडिया में बायोफ्यूल्स के ब्लेंडिंग टारगेट्स क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे टेक केयर बाय बाय है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में